चापलूस और आलोचक में केवल इतना अंतर होता है कि चापलूस अच्छा बनकर बुरा करता है और आलोचक बुरा बनकर अच्छा करता है। आप अपना दर्द कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग बड़े जालिम हैं। वो आपका दुख दर्द रो रो कर पूछेंगे और हंस हंस कर सारी दुनिया को बताएंगे। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहता है और कोई अपनों की खातिर सपनों से। एक अजीब सी दौड़ है यह जिंदगी। जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार किया जाता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। अभिमान को आने मत दीजिए और स्वाभिमान को जाने मत दीजिए, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान आपको कभी गिरने नहीं देगा। खुशी पैसों पर नहीं बल्कि परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जैसे एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश हुआ तो दूसरा बच्चा उसे बेच कर और तीसरा बच्चा उसे फोड़ कर खुश हुआ। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच ये है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। फर्क सिर्फ सोच का होता है, सकारात्मक या नकारात्मक, वरना सीढ़ियाँ वही होती है जो किसी के लिए ऊपर जाती है और किसी के लिए नीचे आती है। जब जिंदगी आपको हंसाए तब समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब आपको जिंदगी रुलाए तब समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। लोगों की बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं कि मीठे हैं ना, और बाद में उस पर नमक लगा कर खाते हैं। जाते जाते अमृतम मोटिवेशन आपसे यह कहना चाहता है, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर तो नए पत्ते भी नहीं आते। ठीक वैसे ही कठिनाई और संघर्ष के बिना जीवन में अच्छे दिन नहीं आते। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल अमृतम मोटिवेशन को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। सुनते रहिए अमृतम मोटिवेशन।